अपन बिटिया दे देली मन करा दे हले हले हला तू हम कर लड्डू अपने खा गई चुरवा देती है सजन के। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मछली हो गया आज हमारे घर पे एकदम फ्राई हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। हम गोरा प्रिया भोजी कैसे मानी रहो लोग, हम बोल चुके गोर लगा तनी रहो लोग से कहा तनी वेलकम बा आप लोग के हमारे छन ब्लॉग में। तो आप लोग अगर मछली खानी तो मोस्ट वेलकम बा, ना ही खानी तो पनीरियों का बा व्यवस्था, अंदर पनीर भी बनता और यहाँ पर मछली बनता है। मिठाई का रे दादा का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मछली चाय मछली फ्राई हो रहा है गांव में, आप लोग तो जानते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दे, मम्मी कह रही थी मछली खाने के लिए रोज कह रही थी, बोल रही थी अपने अकेले के लिए खा लेती है, हमको नहीं खिलाती है। तो आप लोग सोच रहे हैं इतना भुज्जा क्यों दे रहा है, तो कड़ू के तेल ओरिजिनल कड़ू तेल घर का ओरिजिनल कड़ू का तेल में फ्राई हो रहा है। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं गांव में अक्सर करके ओरिजिनल तेल से ही बनता है खाना, क्योंकि सरसों से आप लोग बनाते हैं। और लेकिन एक चीज और है, सरसों के तेल में इस तरह पकड़ता है, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए बच्चे मांगना चालू कर दिए, आप लोग तो जानते हैं घर के बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के जब तक दीजिए नहीं तब तक। दोस्तों हमारी दोरानी की बेटी है, देख लीजिए आप लोग, दिखाओ रे बेटा और दिखाओ चाचू लोग, कब कहे चाचू लोग मछली खा लीजिए। काटा ने कड़ा सरोज की आई है आराध्या, ताक रही है आराध्या, तुम भी बोल रहे। ये गाड़ी में बंद थी कम से कम 15-20 मिनट तक, बहुत देर से चिल्ला रही, अब बहुत रोई है, एकदम हालत खराब है। क्या हुआ था बेटा गाड़ी में, कैसे बंद हो गई थी? आवाज भी बाहर नहीं आएगा, आप लोग तो समझ ही सकते हैं। एगो पेटवा वाला पीसिया के दे देबू वही में खा ले। तो दोस्तों अभी देखिए भूख लग गया है और अभी तक मछली फ्राई हो रहा है, इधर बच्चे लोग ले लेके खा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, सारे बच्चे लोग ले खा रहे हैं, सारे बच्चे लोग प्लेट मछली खा रहे हैं। अभी किसी को काटा उटा धस, अब किसी को काटा उटा धसेगा तो कहानी मोड़ ले लेगी। देख रहा है क्या बात है, और लोग हाँ भाई ये सब ऐसे अच्छा लगता है, ऐसा खा रहे हैं बच्चे। आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता होगा ना? नहीं देखिए आज पहली बार छनछन और सिया मछली मांग के अपने बुआ खाद से खा रही है, कभी नहीं खाई। देखिए देखिए इधर देखिए इतनी इतनी बच्चे वालों को मछली खाता ना, ये पक्का निषाद बिरादरी कहाएंगे सब। नहीं मैंने हमारे बिरादरी के लोग मछली खाने में एक नंबर है, है कि नहीं? हाँ ये भी देखिए मछली खाने का पोछ खाती है। क्या खाती है जी? पोछ खाती है नेउसा का। तुम क्या खाती हो जी? ए वो भी है बहुत तेज, ये भी खाती है। ए मेरी छोट मतलब मेरे पर से ये देवरानी है, इसके पर से वो है, और उसके पर से जो आएगी वो छोटी सबसे छोटी देवरानी, उसका आने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लास्ट जब वो आ जाएगी तो हमारा परिवार एकदम संपूर्ण एकदम परफेक्ट परिवार हो जाए, अभी तक हम लोग का परिवार अधूरा है। अदुलाक पता नहीं है, अदुल्हा पता नहीं, अदुल्हा कहाँ गई हो? वो बहुत खतरनाक मछली खा रहा है, बुला रहे हैं जाइए। दोस्तों आप लोग एक राज का बात बता रहे हैं, जिस घर में चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसका जब शादी होता है तो एक हफ्ते पहले से उसको बुकवा लगता है। हमारे घर में कल माटी कोड़ है, कल तीसरा दिन है, आज के चौथे दिन शादी है, यानी कि बृहस्पतिवार को बारात जाएगी, और आज तक हमारे देवर को एक भी दिन बुकवा नहीं लगा, क्योंकि बहुत बड़ा घुमक्कड़ लड़का है और भाग जाता है ना, अभी भी भागा हुआ है, लेकिन जबरदस्ती हम बुकवा पिसवा रहे हैं। आज हम इस घर हैं, मेरा कहना नहीं मान पाया, मतलब नहीं टाल पाएगा वो, मैं रहूंगी तो वो लगवा लेगा बुकवा, तो अभी भागा हुआ है बाबू, अभी आएंगे तो फिर बुकवा लगेगा, मेरी छोटी पीस रही है यहाँ पर बुकवा, तो इसलिए अभी देखते हैं कहाँ है, अभी खोज के हम लोग ले आएंगे। अरे बुकवा से गोरा आ जाइए मछली जो ना। दोस्तों अगर हम लोग नहाते हैं तो हम लोग को लगता है शैम्पू लगता है, साबुन लगता है, फेस वॉश लगता है,
और मछली मुर्गा मटन ये सब नहाते हैं, तो कैसे नहाते हैं? ये लोग नहाते हैं तेल मसाला मर्चा लहसुन नीमक हरदी ये सब में नहाते हैं, तब ये लोग सुंदर दिखते हैं। देखिए दोस्तों, एक डेढ़ घंटे से फ्राई हो रहा है, अभी थोड़ा बचा है, आप लोग समझ सकते हैं कि आप चूल्हे पर टाइम लगेगा, चूल्हे पे आज कम देता है बहुत टाइम, और तेल भी देखो खत्म हो गया है। गांव में ऐसे ही होता है, अब तेल एकदम सूख गया। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे घर गैस नहीं है, हमारे घर गैस भी है, इंडक्शन भी है, लेकिन ज्यादातर गर्मी है, आप लोग समझ सकते हैं। और गर्मी में हम लोग बाहर खाना बना रहे हैं, इसका मतलब अच्छा लग रहा है, गर्मी उतना महसूस नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चे लोग झगड़ा कर रहे हैं प्रसाद के लिए, पता नहीं कैसन का चीज है। अम्मा अच्छा, मौर सिरवा गया, कहीं शादी था वहाँ पे मौर सिरवा गया, वहाँ से काली मैया बनी हुई है, देख सकते हैं आप। मम्मी मुझे भी प्रसाद दीजिए, बहू लोग को बुला जा रही है, बहुत चीज देता रहा, हमको भी दीजिए लड्डूया। अपन बिटिया दे देली नि आमन करा दे, हले हले हला तू हम कर लड्डू या अपने खा गई चुरवा देती है सजिन के। हला हला अपन बक्सम कर चुरवा लड्डू ले कर, हमको लड्डू चाहिए, चूरा देख बुलवा, चूरा देख बुलवा रही है। देखिए दोस्तों, मम्मी चूरा दे करके हम लोग को बुलवा रही। मसाला यहाँ पे हम भून रहे हैं, अभी हमारा मछली रेडी होने वाला है। आप यहाँ पे देखिए मसाला डाल रहे हैं, इतना सारा मसाला कौन खाता है, हम लोग खाते हैं, अच्छे से लोग हैं मछली रखे हैं जैसे। तो दोस्तों, फाइनली हम लोगों का मछली फ्राई हो रहा है, मतलब फ्राई हो गया, मतलब फ्राई हो गया दोस्तों। अब फाइनली मछली नहाने जा रही है, नदी में तैर रही है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग किस तरह से तैर रही है, नहाने जा रही है, डुबकी लगा रही है, डुबकी लगा रही है। और अभी तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करिएगा। चैनल पर नए है तो हमारी बिटिया का चैनल है छनछन ब्लॉग का, कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नई नई वीडियो, इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती है दोस्तों, मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक ये बिना चले जाते यार। जय हिंद जय भारत।